हेलो स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम दो वेरिएबल को आपस में किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन अ फंक्शन एफ सच दैट ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी। एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएट टू एलिमेंट ए एंड बी ऑफ सेट ए इन यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ए एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए और उसी के ही दो एलिमेंट किसी बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े हुए हों। अब ये जो सेट है ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर का सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। पर ध्यान ये रखिएगा, इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है और वो है सेट। अब तो दो सेट होंगे वो किसी बाइनरी ऑपरेशन से जुड़े हुए होंगे। अब आप बोलेंगे ये स्टार क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाई मतलब दो, दो लोगों के बीच में या दो वैल्यू या दो टर्म के बीच में एक कोई भी फंक्शन होना या कोई भी रिलेशन होना हम बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं, समझते हैं। देखें एग्जांपल, देखो द सम ऑफ नेचुरल नंबर गिव्स अस अ नेचुरल नंबर, देयर फॉर इन केस ऑफ एडिशन और इन मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन हैं, लेकिन डिवाइड और सब्सट्रैक्शन किस सेट के लिए, इस नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हम दो नंबर को ऐड करेंगे तो पक्का एक नेचुरल नंबर मिलेगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, लेकिन दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर आपको हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आप जब जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं, मान लीजिए कि अपन इस तरह से देखें इसको, आप इसको ऐसे देखिए कि 3 + 3 6 हो गया, नो प्रॉब्लम। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर। 3 × 3 ये भी 6 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 6 का 9 हो गया। ये भी नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर आप 3 / 4 कर दो, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहे नेचुरल नंबर। आप 3 - 4 कर दो, ये कितना -1, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए प्लस में और मल्टीप्लाई में नेचुरल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगा, डिवाइड में और सब्सट्रैक्शन में बाइनरी ऑपरेटर नहीं होगा। अब देखिए सिंबॉलिकली हम इसको कैसे बताते हैं, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम प्लस सच दैट एन क्रॉस एन टू एन, मतलब दो जो नंबर लिए हमने वो कहाँ से लिए, नेचुरल नंबर से, और वो कहाँ आएंगे नेचुरल नंबर में, किस बाइनरी ऑपरेटर के लिए, प्लस के लिए। गिवन बाय ए बी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन। सिमिलरली विथ मल्टीप्लाई, ओके बिलोंग्स टू एन। अब देखें जनरली बाइनरी ऑपरेटर आर डिनोटेड बाय, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, स्टार है, ओ है, प्लस है, जीरो है, हैश है, एट द रेट है, आप चाहो तो विज ले लो, आप वेज ले लो, बहुत सारे, लेकिन हम किसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दो सिंबल अलग अलग होते हैं, है ना, ये दोनों जीरो जीरो नहीं है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसकी कुल मिला के 5 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, मान लीजिए एक बाइनरी ऑपरेटर स्टार है ऑन सेट ए इज कम्यूटेटिव। कब? जब ए स्टार बी, बी स्टार ए के इक्वल हो जाए और जो दोनों ए बी होंगे वो इस सेट में होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था सेट कुछ भी हो सकता है,
ए स्टार बी, बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको हम एक्सरसाइज के अंदर एक एग्जांपल में समझेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए इज एसोसिएटेड इफ ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, और जो ए बी सी हैं ये काय में बिलोंग करें, ये ए में बिलोंग करें। ये होती है एसोसिएटिविटी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, आइडेंटिटी बोलते हैं या आइडेंटिकल एलिमेंट भी बोलते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेटर है ऑन सेट ए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू ए सच दैट, इस तरह से कंडीशन बन जाए कि ए स्टार ई भी ए हो और ई स्टार ए भी ई हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो हम कहेंगे जो ई है, द एलिमेंट ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेटर स्टार ऑन ए। ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों की वैल्यू ए हो जाए तो ये जो ई होगा ये बाइनरी ऑपरेटर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए होगा। फिर होता है इन्वर्सिबल प्रॉपर्टी। क्या होता है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ए, देन फॉर बाइनरी ऑपरेटर स्टार ऑन ए इज एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए स्टार बी बी ई के इक्वल हो जाए, बी स्टार ए बी के ई के इक्वल हो जाए, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए इन एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ये जो बी होगा ये ए का इनवर्स होगा। मतलब क्या हुआ कि ए स्टार बी भी आइडेंटिकल एलिमेंट बन गया, बी स्टार ए भी आइडेंटिकल एलिमेंट बन गया, तो जो ये बी होगा वो ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, ओके। और इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड वेज बी टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, देन स्टार इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेज इफ, ये इस तरह से होना चाहिए कि ए स्टार बी वेज सी, ए स्टार बी वेज ए स्टार सी। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और ये इस तरह से राइट से हो जाए कि ए बी वेज सी स्टार ए, बी स्टार ए वेज सी स्टार ए, तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको इसमें दो तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑर्डर, जो पहले आ रहा है वो पहले ही रहेगा, उसको बाद में नहीं रखना है। आप अपनी मर्जी से ऑर्डर चेंज मत कर देना, नहीं तो ए स्टार बी है तो ए स्टार बी होगा, बी स्टार ए है तो बी स्टार ए ही होगा। इसको अपन आप एक्सरसाइज में देखते हैं।